जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी कब आएगी और आएगी भी कि नहीं, इसी को एकदम मेन मुद्दा बनाकर इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का शेयर प्राइस जो काफी दिनों से खास रेंज में आपको घूमते हुए नजर आ रहा है, वो उस रेंज से बाहर कब निकलेगा, ब्रेकआउट कब होगा, तेजी कब आएगी, ताकि जो इस कंपनी के नए या जो पुराने इन्वेस्टर्स भी, जो लोग पहले से भी इस कंपनी के शेयर को बाय करके बैठे हैं, वो उब गए हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है। आपको टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको इस कंपनी के बारे में देने वाला हूं। बस थोड़ा सा आप समय देंगे और साथ बने रहेंगे ताकि आपको और डिटेल्स मिल सके। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंपनी के काम धाम, फंडामेंटल और फिर चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि कंपनी में तेजी कब आएगी। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के काम के बारे में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जब से ये कंपनी स्थापना हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में, और तब से लेकर अभी तक देखेंगे तो ये कंपनी जो है स्टॉक ब्रोकिंग की सुविधा आपको प्रोवाइड करते हुए नजर आएगी। स्टॉक ब्रोकिंग मतलब आप क्या समझते हैं? स्टॉक ब्रोकिंग का मतलब ये हुआ कि इसके प्लेटफॉर्म का यूज करके आप किसी कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे कि ठीक जो जीरोधा कंपनी है या जो एंजल वन कंपनी है या अप स्टॉक का नाम सुना होगा, तो जिस तरीके की ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं कंपनी, ठीक उसी तरीके की सुविधा ये प्रोवाइड कराता है। हालांकि ये अप स्टॉक, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो इतना फेमस तो ये कंपनी नहीं है। हालांकि चूंकि स्टॉक ब्रोकिंग का ये काम करता है, ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग सुविधा देता है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, तो लंबी अवधि में इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस हैं। और ये एकदम मतलब एकदम डिट्टू है कि इसमें तेजी आएगी लंबी अवधि में, जिसकी इस कंपनी का काम है। लेकिन अभी जो लोग काफी दिनों से इसमें बाई करके बैठे हुए हैं, तो इस कंपनी के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके बैठे हुए हैं, और चूंकि इसमें तेजी नहीं आ रही है, हो सकता है बहुत से लोगों का जो स्टॉक है लोगों के पोर्टफोलियो में ये माइनस में भी चल रहा हो, यानी कि रेड में हो, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको बताऊंगा सभी डिटेल्स और आपको क्या करने की जरूरत है। आगे समझते हैं काम, जैसे मैंने बता दिया काम तो ठीक है, काम के बिहार पर लंबी अवधि में तेजी बनेगी, लेकिन क्या आप उतने लंबी अवधि तक इसमें इंतजार करने की जरूरत है? हो सकता है कि यह पैसा निकाल के आप कहीं दूसरे स्टॉक में लगा दे, तो इससे पैसा कम समय में आप कमा सकते हैं, इसलिए चार्ट पर समझेंगे। काम मैंने बता दिया, फंडामेंटल यदि आप देखेंगे तो तकरीबन 185 करोड़ के आसपास मार्केट के पेनी स्टॉक में जो कंपनियां 100 करोड़ से ऊपर की होती है उन्हें अच्छा माना जाता है। यहाँ 185 करोड़ यानी कि तकरीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, ये ठीक है। और स्टॉक का पीई भी काफी कम है, 17 के आसपास, 18 के आसपास से बढ़िया है। और सबसे कमाल की बात है रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और आरओसी देखेंगे तो ये प्लस में माइनस में नहीं है, यानी कि फंडामेंटल आपको यहाँ पे बेहतर नजर आ रहा है, बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल करना क्या है कि आपको इसमें अभी तक जो काम और जो फंडामेंटल के हिसाब से समझ में आ रहा है कि इसमें आपको समय देने की जरूरत है, लेकिन कितना समय देने की जरूरत है, चलिए हम लोग इसको चार्ट पर समझते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो मैंने एक साल का चार्ट इस कंपनी का ओपन किया हुआ है। एक साल के चार्ट पर आप स्पष्ट देखेंगे कि ये जो लाइन है जो 2 रुपए 50 पैसा का लेवल है और एक नीचे इस लाइन को ड्रॉ करें 2 रुपए का, तो आप पाएंगे कि काफी दिनों से स्टॉक इसी लाइन के बीच में आपको कॉन्सोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। इस रेंज को जब ब्रेक करता है तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, हालांकि ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस इसी रेंज में आ जाता है। यानी कि जो ऑपरेटर्स के लिए, चूंकि पेरी स्टॉक में ऑपरेटर्स ही मेन होते हैं, ऐसे सेलर कहना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे ऑपरेटर मान के आप चलिए, तो जो ऑपरेटर्स हैं वो इस लाइन के ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, लेके जाते भी हैं तो वो सबसे निचले स्तर पे बाई करते हैं और सबसे निचले स्तर पे मोटा क्वांटिटी बाई करने के बाद दुख उठाते हैं और फिर यहाँ पे ले जाकर पटक देते हैं, और जो यहाँ पे नए बायर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि ऑपरेटर के साथ आप गेम खेलिए। आपका मान लीजिए किसी भी लेवल पर बाई है, प्राइस नीचे आ रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है 2 रुपए का लेवल, 2 रुपए के नीचे आ ही रहा है, लगभग आ ही गया है, यहाँ पे आप माल उठाइए, बल्क में क्वांटिटी उठाइए, और जैसे इस अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है प्राइस बढ़ के 2 रुपए 50 पैसे, यहाँ पे आप भी बेच के निकल जाइए। सिंपल, जैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं वैसे गेम आपको खेलना है, तब आप पैसा अपना पाएंगे स्टॉक मार्केट में, यही आपको रणनीति अपनाने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्राइस जैसे 2 रुपए के आसपास आ रहा है, यहाँ पे आप बल्क में क्वांटिटी उठाइए, और जैसे प्राइस 2.5 रुपए के आसपास जाए, यहाँ पे बेच के आप निकल जाइए। और लंबे अवधि के निवेशक हैं तो फिर आपको समय देना होगा, हालांकि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा फंसा हुआ है, आप हेजिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप निकल सकते हैं, जो भी लॉस से रिकवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड के बारे में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं सभी कमेंट के रिप्लाई देता हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।